If somebody said, okay, if you do daily vlogging for like a year and a half, yeah. you'll get $10 million in your bank account. Yeah, Would you do it? Yeah. <laughs> for <laughs> <a> <laughs> All right, guys, welcome back to another Lights Out podcast. We are here in Karachi and uh, we're very fortunate to have a really special guest today. Uh, you all know him. And uh, I just want to tell a little backstory of how I. फाउंड यू फॉर द फर्स्ट टाइम 2016 में या दो हज़ार था 2016 था मैंने के सी नाइस्टैट पहली दफ़ा देखा तो मैं और मेरा दोस्त था उसने मुझे कहा कि तुम व्लाग्स क्यों नहीं बनाते मैंने कहा यार मैं कैसे ब्लॉग मुझे तो बात भी नहीं करनी आती उसने कहा नहीं तुम ट्राई करो ये करो तो फिर मैंने जब सर्च करने शुरू किए ब्लॉग्स तो के सी नाइस्टैट आया तो पहला जो मेरा फर्स्ट ब्लॉग है यूट्यूब पर वो ये मैं के सी नाइस्टैट की बेसिकली कॉपी करने की कोशिश कर रहा हूँ आई वॉज रियली प्राउड कि अच्छा मैंने इस तरह बना Then, like one week later, my friend shows me your vlog, and I was like, "This is <laughs> hundred times better than what I made," yeah. and uh, I was like, "Man, this is really, really cool." And that's the first time I got introduced to you. I was kind of upset to because I and it here and wasn't even close to what yeah. you had made. I eventually stopped uh, doing the KC Nices style pretty soon, and then just turned into like making more like fun vlogs. Uh, but when I saw your work, it was like really serious in terms of like the way it was shot. I did shoot But welcome, uh, Irfan. Thank you, thank you so much for having me. Or I think it 2017 hoga. 2017. Uh, 2017, yeah. I was not making vlogs. Yeah, yeah I, I guess it was 2017. Yeah. Yeah. Nice and discover <laughs> uh, pe uh, I discovered Casey in 2016 may was peak content. I was just. सो इमर्स्ट इन द स्टोरी कि मुझे रोज़ाना मैं वेट करता था पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक अराउंड आठ या दस बजे अपलोड होता था या yeah. तो, मुझे रेस्टलेसनेस होती थी कि यार अभी तक आज की वीडियो नहीं आई होना वॉच इट क्या हुआ होगा आज तो दैट्स uh, के यार ये बड़ा ही पावरफुल मीडियम है एंड आई शुड स्टार्ट इट एज वेल क्योंकि मुझे फोटोग्राफी वीडियोग्राफी का शौक that

Um but going back to the early days, do you yeah. feel like there has now been a huge shift in the way you make videos or is it yes, pretty similar ek, to Matlab uh, the process has changed entirely. May, uh, I I did not think of it like that. Like in Pele, I just used to think a video this should be a fun video. Yeah. Now I think about cinematography way more, the light and or right. आई नो ऑडियंस को फ़र्क नहीं पड़ता है अनफॉर्चुनेटली <laughs> लेकिन मुझे मज़ा आता है आई सी द फाइनल प्रोडक्ट तो आई फील गुड अबाउट इट आई मेड दिस तो एक ये चेंज आया है बाकी आई ट्राई एंड फोकस ऑन द स्टोरी मोर और उस चीज़ के चक्कर में समटाइम्स आई गेट दिस फीलिंग आप जब वीडियो जो आपके विजन आपके जहन में होती है और जो फाइनल वीडियो होती है उसमें जो डिफरेंस होता है ना फिर दैट रियली ब्रेक्स योर हार्ट के यार मैंने yeah. जो सोचा था वो तो आइडिया इतना अच्छा था और ये अब क्या है ये तो उस अपने आप को समझाना कि नहीं यू हैव टू कीप गोइंग एंड यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस तो दैट्स द ओनली डिफरेंस आई आई एम रियली क्यूरियस टू नो लाइक डू यू थिंक वेरी हार्ड अबाउट और लाइक इज आर लाइक व्यूज एंड स्टफ रियली इम्पोर्टेंट फॉर यू आई अच्छे ना terms, मैं लेकिन दो तरीके से इसका जवाब दिया जा सकता है मैं इस तरह नहीं सोचता कि बहुत से लोग हैं हु आर डूइंग रियली वेल जो क्रिएटर uh, स्टूडियो में और एनालिटिक्स और नंबर्स उनको एनालाइज करते हैं एंड देन दे कैन मेक डिसीजंस आउट ऑफ इट वो मैं नहीं करता हूँ right. लेकिन मुझे हाँ अफसोस होता है कि यार आई स्पेंट फिफ्टीन डेज ऑन दिस वीडियो एंड इट हार्डली गॉट एनी व्यूज एंड देन आई स्पेंट हाफ अ डे ऑन दिस वीडियो और उसका एक uh, अजीब सा थोड़ा टाइटल रखा और इट मिलियन प्लस टू मिलियन नहीं बट लाइक ओवर द इयर्स लाइक 2017 से आप कर रहे हैं जी ओवर द टाइम लाइक हैव यू लर्न ट्रिक्स एंड थिंग्स दैट यू कैन डू टू गेट मोर व्यूज एंड डू यू मेक दैट पार्ट ऑफ योर कॉन्टेंट नाउ लाइक नहीं आई ट्राई नॉट टू डू इट आई जब मैं वीडियो बना रहा होता हूँ आई ट्राई एंड रिमेन ट्रू टू द क्राफ्ट एज मच एज पॉसिबल जो आजकल एक नया ट्रेंड है

he's very analytical yeah. कि वो thumbnail पे book इतनी कितने days spend करता है और title yeah. पे इतना time spend करता है um, he takes like YouTube very very seriously छोटी-छोटी चीज analyzing are mm. you like that or मैं uh, YouTube को इतना analyze नहीं करता हूँ बस मुझे over the years कुछ चीजें समझ में आई हैं कि the audience really wants to know what's going on in your life आज तक मेरी शादी को चार साल हो गए आज तक आते हैं कि why don't you make videos with your wife we wanna see you guys together आई एम नॉट कंफर्टेबल रियली वॉन्ट टू सी दैट राइट उसके अलावा मैंने ये सीखा है कि अगर आप टाइटल में प्राइस लिख देना किसी भी चीज़ की पीपल रियली वॉन्ट टू वॉच दैट फॉर एग्जाम्पल आई गॉट अ न्यू कार आई गॉट अ न्यू कार विच इज वर्थ बद एन एक दो करोड़ तीन करोड़ वो बहुत जमीन आसमान का फर्क होगा इन टर्म्स ऑफ व्यूज़ एंड कॉमेंट या तो uh, but ये आपको आज कल के जो व्लॉगिंग का ट्रेंड है जो व्लाग्स है, व्लौग्स है। रीमर्ज और वो मास्स की एक्सेप्टेंस भी आ गई है उसमें तो आई थिंक उसमें भी यही है कि पीपल रियली वो फील दैट कनेक्शन आई मीन सो जब मैंने आपके शुरू शुरू में देखे थे ब्लॉग yeah. मुझे जो सबसे चीज ज्यादा बॉदर करती थी एज हाँ. समीजो yeah. मैं कहता था यार मुझे ब्लॉग बनाने के लिए जब मैं अकेला बनाता हूँ कुछ क्यूँ नहीं आते ठीक है yeah. मुझे और लोगों की जरूरत पड़ती है कि किसी के साथ हैंग आउट कर रहा हूँ ये वो mm. सेलेब्रिटी डाल ये बंदा सिर्फ अकेले बनाता है मुझे ये होता था कि यार yeah. अच्छा ऐसे भी हो सकता है कि आप अकेले बनाओ और कुछ कर लाइक कुछ किसी को डालना ना पड़े उसके अंदर मेरे साथ ना ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस ओवर द इयर्स के मैं बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गया कि मैं क्या चीज़ शेयर कर रहा हूँ क्या चीज़ नहीं कर रहा राइट फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू स्मॉल स्टोरी मैं पी एस एल में मुझे इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बोला कि यू मेक व्लॉग्स फॉर अस फुल एक्सेस ऑन ग्राउंड प्लेयर्स एवरी थिंग मेरे तो इट वॉज मतलब अभी भी थोड़ा सा सरियर लगता है कि मेरे बराबर में इधर वकारीूनिस है उधर शादाब खान है ये लोग बैठे हुए आंड्रे रसल तो एक प्लेयर था वह इतना बड़ा नहीं है लेकिन अच्छा इस्लामाबाद यूनाइट में खेल इतना बड़ा प्लेयर है तो आई वॉज व्लागिंग प्लेयर्स बात कर रहे हैं कैजल और ग्राउंड के बीच में ही उसने ना अब उसके ऊपर कैमरा आया ही पुश द कैमरा हुए तो उस वक्त तो मुझे लगा कि यार ये तो थोड़ी बेस्ती हुई है आ, लेकिन उसके बाद था। हाँ हाँ पाकिस्तानी प्लेयर लेकिन उसके बाद आई थॉट ऑफ इट तो उसका पूरा हक है करने का उसका पर्सनल स्पेस है मैंने वो मतलब ही इन अपने जोन बातें कर रहा है अपने दोस्तों से टीम मेट से मैं उनके मुंह पे कैमरा डाल के खड़ा हूँ कि नहीं आई वोट कैप्चर दिस मोमेंट तो इस वजह से आए मेरे ब्लॉग्स और ज्यादा सिर्फ मेरे बारे में होने लगे राइट एंड आई वॉज वे कम्फर्टेबल डूइंग देन कि आज मैं दोस्तों के साथ जा रहा हूँ तो इन द बैक ऑफ माई माइंड एक कहानी है कि यार आज का ब्लॉग तो निकल जाएगा आज yeah. अगर इवन इफ आई आई एम नॉट इन द मूड तो एक ये लड़का है एक ये आ, है ये हो जाएगा कुछ आ, चार बातें हो जाएंगी आ, तो मुझे ना वो फिर थोड़ा अजीब सा लगने लगा कि मुझे अजीब से सवाल आने लगे व, व, देखें जब आप ग्रो कर रहे होते हैं ना तो आई वॉज सो फोकस अबाउट ऑल दीज राइट बट वैन आई क्रॉस द मिलियन और वो चेक uh, हो गया कि हाँ मिलियन हो गए yeah. पैसे भी आ रहे हैं आई एम लिविंग अ कंफर्टेबल लाइफ शादी भी हो गई है दुनिया घूमनी थी बिटी मच वो भी हो गया है एक्सेप्ट कैनेडा लेकिन तो फिर यू थिंक अबाउट दिस थिंग क्या मैं यही करता रहा सारी जिंदगी yeah. am i just going to share my life and make it as uh, exciting or look as exciting for the rest of my life? the voice is i uh, thought to myself, can i vlog my beach, beach my the like, can i want to focus on other things? i want to tell better stories. i want to work on my craft. so that's my. again, I tried. this sounds a lot like Casey neistat, right? Bhi usne thi, but then yeah. he started focusing on people or something, companies, Uh, नहीं, तो नहीं, नहीं नहीं उसने पहले कंपनी बनाई थी नाम मुझे भी उसका याद नहीं आ रहा बी से, से कोई भी नाम भी था सी एन एन को उसने बेची थी हाँ और दैट डिट एंड वर्किंग उसने really कंपनी बनाई और उसने सोचा कि मैं व्लॉग बनाता हूँ एंड आई आई एम गोइंग टू डॉक्यूमेंट दिस होल प्रोसेस राइट लेकिन इन द प्रोसेस व्लॉग ज़्यादा बड़ा हो गया और कंपनी नहीं चला हाँ बिल्कुल बट एवेंचुअली ही लॉस्ट इंटरेस्ट इन लाइक डेली व्लॉगिंग या एंड देन ही स्टॉप एंड देन अभी फिर से लाइक ही कम बैक या आई एम अगर मेरी ट्रिजेक्ट्री भी कैसी जैसी हो जाती है कि आई व्लॉग वंस अ मंथ टू आई मंथ आई एम टू बी वेरी हैप्पी कि मैं बीच में और चीज़ों पे काम करना शुरू कर दूँ राइट लाइक थोड़ी सी सैड स्टोरी है <laughs> आपने <आँए laughs> मना <laughs> किया <था> नहीं कोई बात नहीं तो आई मेड अ वीडियो फ्यू मंथ्स अगो जिसमें मैंने बोला कि मैंने यूट्यूब हमेशा किया है एज अ मीन्स टू एन एंड और right. वो एंड ये था कि आई वॉन्ट टू बिकम अ डायरेक्टर Uh, like right? तो अच्छा। like यहाँ तो पे मिलता <laughs> तो मैंने अपना वो ड्रीम तो खुद ही कत्ल कर दिया कि नहीं दिस इज नॉट हाउ आई विल बी एबल टू सस्टेन माई सेल्फ राइट और यूट्यूब में मुझे लगता है बहुत छोटा होता है People forget अबाउट यू रिप्लेस हो जाते हैं आप मुझे तो लगता है मैं ऑलरेडी हो गया हूँ जैसे फॉर एग्जाम्पल इंस्टाग्राम पे पिछले कोई दो तीन महीने से मेरे कोई दस हजार फॉलोअर्स बड़े होंगे लेकिन माई एंगेजमेंट रेट्स आर वन ऑफ द हाइस्ट इन पाकिस्तान नए लोगों को वो पता ही नहीं है राइट right. मैं आई थिंक नाइनटी पे था तो करें मे बी मेरे लिए रील बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म पर फोकस करूँ मैं अपनी ज़िद्द पकड़ के बैठूँ नहीं आई लाइक फोटोग्राफी आई एम स्टिक टू फोटोग्राफी या तो माई मुझे पता है माय अकाउंट व्हाई माय अकाउंट इज़ नॉट ग्रोइंग बट आई एम हैप्पी विद दैट मुझे वो रेस में नहीं भागना है तो माय प्रायोरिटीज़ चेंज्ड ओवर द इयर्स अब मैं चाहता हूँ इन द नेक्स्ट फाइव इयर्स मेरा गोल ये है कि मैं कुछ और काम करूँ जिसका ना यूट्यूब पर कभी डिस्कशन हो ना कभी पॉडकास्ट पर हो एंड दैट टेक्स केयर ऑफ़ द बेल्स एंड हाउ आई एम गोइंग टू सस्टेन माई सेल्फ एंड आई जस्ट फॉर माई क्रिएटिव और यही मेरा प्लान है तो बहुत से लोग मुझे आइडियाज पिच करते हैं रेस्टोरेंट खोलते हैं क्लोथ्स के बिजनेस में जाते हैं ये करते हैं मैं नहीं चाहता कि मेरी शक्ल उससे Uh, that's yeah important. i i think what you uh, basically from what i understand from five minutes yeah. is that you love freedom yeah and uh, i i think one of the things that you've been able to do is that because you you don't rely on other people to make your content mm. it must be very liberating k ap cake cheese and it still gets the views. मैं देखें और जो आप दिखाना चाह रहे हो एग्जैक्टली exactly वही दिखाते हो सेल इट आउट बेट कि नहीं लोगों को ऐसा पसंद आएगा तो मैं थोड़ा सा ऐसा कुछ कर दूँ या ये कर दूँ देखें जब तक मेरी आई एम मैरिड आई हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बच्चे होंगे उनकी स्कूलिंग हर चीज़ जब तक YouTube इज गोइंग टू बी माई या यूट्यूब रिलेटेड थिंगज आर गोइंग टू बी माई ओनली सोर्स ऑफ इनकम तो तो मैं कभी भी फ्री नहीं हो सकता हूँ हाँ, मैं हर चीज़ करूँगा हाँ मुझे अगर कल को मतलब मैं एक ट्रेंड देख रहा हूँ ऑल ओवर द वर्ल्ड नॉट जस्ट पाकिस्तान टिक टॉक यूट्यूब पीपल डोंट रियली केयर अबाउट कैमरा क्वालिटी नाउ पीपल हैव एक्सेप्टेड इट कि नहीं है इतने अच्छे हो गए कि दे डोंट देर अब मैं आई से शुरू हो जाऊँ डेली व्लॉग और एडिटर रख लूँ एडिट ah करके डाल दे माई अकाउंट इज गोइंग या अगर मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं होता तो मैं ये करूँगा लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये नौबत ना आए बिकॉज देन अब जैसे मैंने कुछ वीडियोज़ बनाई हैं उसमें आई डोंट नो ऑडियंस को नज़र आता है यानी मुझे नज़र आता है मेरी शक्ल में कि ये बंदा बर्नआउट हुआ होगा इज़ नॉट इन्जॉइंग आई डोंट वॉन्ट दैट मैं यूट्यूब का जब भी सोचता हूँ ना मेरे जहन में एक बड़ी हैप्पी प्लेस आती है मेरा एक्सप्रेस माई सेल्फ इट हैज गिवन मी सो मच श्योर बट मैं ये नहीं चाहता कि मैं ये सोचू कि यार आज फिर करना पड़ेगा यार हाँ आज नहीं करना तो yeah. वो नहीं करना

वो एक्चुअली वो भी लेने वाला था बोड एप अच्छा <laughs> <laughs> तो, तो अच्छा मास की स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है एंड ही इज यंग यंग इज या तो वो कर सकता है इट्स वर्किंग आउट फॉर हिम मैं चाहता हूं कि स्लो ग्रोथ हो लेकिन वो लंबी चलती रहे मैं वो शॉर्ट बर्स्ट ऑफ उसमें वो नहीं करना चाहता सही तो आप कभी लाइक like, कभी डेली व्लॉगिंग उस तरह नहीं करेंगे मैं डेली व्लॉगिंग करूं भी अगर कल मेरा हाँ। दिम, दिमाग बदल जाए आई वांट अ डेली व्लॉग लेकिन मेरा गोल नंबर वन तो यही है कि सम अदर बिजनेस जो किसी को ना पता हो और वहाँ से इतना हो जाए ऐसा नहीं है कि मैं फिर स्पॉन्सर वीडियोस करना छोड़ दूं या ब्रांडेड अपॉर्चुनिटीज मना कर दूं लेकिन इतना हो जाए कि आई कैन पे माई बेल्स पुट फूड ऑन द टेबल और उसके बाद यूट्यूब इज़ जस्ट अ साइड हसल अब मतलब एक ये पूरा सर्कल बनता है कि स्टार्टेड मेरा बस एक गोल था कि यूट्यूब प्रोफेशन बन जाए क्योंकि सुना था हमने कि जब आपका पैशन आपका प्रोफेशन बन जाता है तो झूठ no है uh. आपको अपने पैशन से नफरत हो जाती है बिकॉज आपको अब जबरदस्ती करना है ये अदर पीपल ब्रांड मैनेजर्सिंग अब मैं ऑपोजिट करना चाह रहा हूँ कभी कभार आपको ये फ्रस्ट्रेशन होती है कि लाइक जैसे अगर आप अमेरिका में होते हैं कैनेडा में होते हैं आपकी ऑडियंस वहाँ की होती है तो आ, आपकी जो क्रिएटिविटी है आ, वो बहुत ज़्यादा लोगों को समझ आती as opposed to as, है एज अपोज टू यहाँ आपको लाइक आपको यहाँ पे ऐसा फील होता है कि जो मैं काम करना चाहता हूँ या करता हूँ वो इस ऑडियंस में अभी थोड़ा सा मे बी अर्ली है या अगर मैं, मैं, मैं बाहर कर रहा होता तो मैं ऑलरेडी मिलियन बन चुका होता डॉलर्स लाइक के के सी नाइस्टेट प्रॉब्ली मेक्स टेन टाइम्स मोर फॉर द सेम इन अमेरिका बिकॉज ऑडियंस बायर की है hmm. उनकी परचेसिंग पावर ज़्यादा तो वो एड्स मुझे ना एक्जैक्टली ये चीज़ लगती है और बहुत स्ट्रांगली फील होती है एक जो मुझे एक ग्लिमर ऑफ होप लगता है वो ये है कि वी हैव अ वेरी वेरी ह्यूज मार्केट इन इंडिया और वो एक लास्ट ग्लैमर ऑफ होप है जिस मैं शायद एक साल डेढ़ साल और काम कर लूँ लेकिन इवेंचुअली इफ वी टॉक अबाउट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो मेरा पूरा पूरा इरादा है दैट आई वॉन्ट टू समे स्टार्ट अ चैनल इन इंग्लिश ओके आई डोंट नो इफ आई कंटिन्यू दिस चैनल और नॉट या इधर मैं उस तरह की वीडियोज़ बनाऊँ जहाँ से मैं रिटर्न एक्सपेक्ट ही ना करूँ हाँ ah. बस बिकॉज आई लाइक दिस ऑडियंस आई कैन कनेक्ट विद दैम तो मैं इनके yeah. लिए बनाता हूँ राइट right. लेकिन आई अब जैसे मैंने एक सोनी का एक नया कैमरा आया Uh, and I made a video. I spent a lot of time taking shots and cinematography, everything. Which one was it? A7 R5. Okay, A7 R5. Yeah. Okay. And it, it did not get as much views. Right. And I was a little sad. Because if I make a video like this, that I went with my wife to Million. Guarantee million. So, I feel a little sad. Yeah. Sa या एग्जैक्टली आस्क शुरू में yeah. कि आप uh, जो चीज़ आप बनाना चाहते हो वो कभी कभार नहीं हिट होती yeah. इस तरह बट इट वुड ऑब्वियसली लाइक फ्यू इन अमेरिका मे बी आई नो मोर विद वहाँ सोसाइटी के अलग चैलेंजेस होते हैं मुझे लगता है हाँ. उनको मेरी बात समझ आना लेकिन वही चीज़ है ना कि ये सारी मुझे जो क्या कह रहे हैं इसको डिससेटिस्फैक्शन है वो इस वजह से है क्योंकि इट्स ऑल रिलेटेड टू मनी राइट मेरे अकाउंट में एक एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़ा हुआ मेरे साथ विच हैज शेप्ड अ लॉट ऑफ माय थॉट्स कभी कभी ऐसा होता है कि एक कॉन्वर्सन आपकी पूरी लाइफ की ट्रेजेक्ट्री बदल देती Absolutely. है एब्सोल्युटली yeah. मेरे साथ वो हुआ माय फ्रेंड्स एंड आई वो सेटिंग सारे कुछ ना कुछ क्रिएटिव प्रोफेशन में एक इलस्ट्रेटर है एक पॉडकास्ट करते हैं एक एनिमेटर हैं हम लोग यही एन वगैरह का टाइम था तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स डूइंग रियली वेल इन एन उन्होंने कोई एक दो महीने में दो तीन करोड़ बना लिए थे तो मैंने ये सवाल पूछा कि कल को अगर आपके आपसे भी ये सवाल है अगर कल आपके अकाउंट में दस मिलियन डॉलर क्रेडिट हो जाए वुड यू स्टिल कंटिन्यू टू डू वट एवर दैट यूर डूंगी लाइक म्यूजिक तो आई Would Never stop, yeah. 10 million million or zero wo toh ah. karta because uske bagaer, there's no point, but yeah, yeah. Maybe I'd, I'd still do the podcast too because yeah. I, I genuinely enjoy talking to people. Um, but obviously, there's certain things that I wouldn't do, yeah. Uh, it would make life a lot easier. I think, wo, uh, they say like if you have 30 million in your yeah. bank account, mm -hmm. 30 million dollars, uh, you can pretty much retire then because there's yeah. not a lot of stuff that you cannot buy.

जिसमें ना मुझे फुलफिलमेंट हो कि यार मुझे बस पहले दिन से एक चीज़ है और अभी तक अल्लाह का शुक्र है आई हैव एबल टू डू दैट कि मैं अगर एक साल पुरानी अपनी वीडियो देखूं और मुझे इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आ रही ना तो इसका मतलब ये है कि आई एम नॉट ग्रोइंग एज अगर आप अपना पहला व्लॉग देख के आपको थोड़ा सा क्रिंज होता है बहुत ज़्यादा हाँ तो इसका मतलब यू हैव एज अ पर्सन अगर yeah. वो क्रिंज होना खत्म हो जाए ना इसका आ, मतलब आप कम्पलेसेंट हो गए कि हाँ यही है तो आई डोंट दैट टू हैपन Uh having money in the bank account also takes away the drive and hunger too right? Like if you're like genuinely struggling yeah. to pay rent, uh. you would work so hard to create something. Whereas if you're really comfortable, like, yeah. nobody knows you right now. Yeah. But you have this hunger, this drive can I have itch I have to prove myself. इफ़ यू है बैंक वो ड्राइव वो करंट होगा उसमें आए डोंट अग्री विद क्योंकि पठान आई अभी शाहरुख खान की हाँ शाहरुख खान को किस चीज की कमी है उसकी लास्ट दो तीन दिन <laughs> में नहीं चली थी तो. <laughs> नहीं, मतलब uh, पैसों के मामले आ, पैसों में ही sorted, उसकी yeah. आगे की की yeah. वो 57 उम्र में बॉडी एक्शन yeah. yeah, अगर मेरे अकाउंट में 10 मिलियन डॉलर होते वो ड्राइव और हंगर ग्रोथ की इतनी नहीं होती लेकिन अगर मेरा पैशन प्रोजेक्ट है तो इंसान अपने पैशन प्रोजेक्ट के साथ सिंसियर ही होता है मुझे टाइपोग्राफी का बहुत शौक है तो मैं कोई वीडियो एडिट कर रहा हूँ बीच में मुझे ख्याल आता है कि यार अभी तो मैं अभी स्विच uh, करता हूँ आफ्टर फैक्स खोलता हूँ और इधर ना एक अच्छी सी टेक्स्ट एनिमेशन बनाता हूँ फिर मेरे में ख्याल है यार क्या फर्क पड़ता है ah. कौन देखेगा कौन इसको अप्रीशियट करेगा तो right. वो चीज़ पैशन प्रोजेक्ट के साथ नहीं होती बिकॉज फ्रॉम द फर्स्ट डे आप क्लियर हैं कि दिस इज़ फॉर मी आई डोंट केयर इस पे एक व्यू आए दिस इज फॉर मी द फर्स्ट टाइम आई डिड दिस इन अ प्रोजेक्ट वॉज एक मेरे एक चैनल hmm. पर वीडियो है द स्टोरी ऑफ अ कराची बर्गर वो uh, बन कबाब पे और इस पे एक डॉक्यूमेंट्री है अच्छा उस पे आई वॉज एडिटिंग इट विद माई फ्रेंड और उस वक्त मेरे चैनल पर एवरेज व्यूज आते थे तकरीबन फोर हंड्रेड थाउजेंड फाइव हंड्रेड थाउजेंड पर वीडियो राइट right. मैंने उसको बोला कि यार दिस इज़ अ रिस्क और इस पे अगर एक लाख भी आ जाए ना uh. तो मतलब आई एम हैप्पी क्योंकि मेरे चैनल का नाम है इरफान जुने जो पीपल सब्सक्राइब बिकॉज दे वॉच मी राइट इट इज नोंग विद डैट अब मैं उनको दिखा रहा हूँ अचानक से एक फूड की कहानी जहाँ पे अंकल अपने बन कबाब के ठेले yeah. के बारे में बता रहे हैं बट स्टिल पीपल और मुझे बड़ा अच्छा लगा वो देख के राइट या बट आई बेटर

तो लेकिन आप इस तरह नहीं देखते कि अगर जैसा वन मिलियन आया तो आपको आप जो दिखाना चाह रहे हैं वो बहुत सारे लोगों तक पहुंचा मैं वो में नह, आपको मैं नहीं। नहीं। वो, दिखाना ही नहीं चाह रहा <laughs> <laughs> वो लोग देखना चाह रहे हैं राइट दैट्स द डिफरेंस नहीं लेकिन जैसे आपने बहुत खूबसूरत शॉर्ट्स लिए हैं सिनेमाटोग्राफी के या जो भी आप चापोग्राफी जो भी कर रहे हैं आप मैं, मैं मैं आपको समझाता हूँ मैं आपको बोलूंगी आपने एक गजल गानी है लेकिन वो दस लाख लोग देखेंगे एज कंपेयर टू आप एक गाना बनाए विच इज ट्रूली बिलाल खान या लेकिन वो पांच सौ लोग सुनेंगे दोनों में मुझे बड़ा बट याकलीज ए सॉन्ग रीच एज मैनीन विद द

कि आप मासिस के लिए बनाएं या आप हाँ, अपने लिए बनाएं या या बट आप जब मासेस के लिए बनाते हैं आप यूट्यूब वगैरह में मे बी इट्स मोर प्रडिक्टल जिस तरह हम कह रहे हैं टाइटल बीवी के साथ बना लिया शॉपिंग करते हुए तो वो पता है आपको व्यूज समथिंग लाइक अ सॉन्ग इट्स वेरी डिफिकल्ट डिफ़िकल्टू प्रडिक्ट ये वाली चीज़ चलेगी है yeah. या आप बना भी लो वो इट्स इट डजन वो जब तक वो रेजनेट नहीं करे लोगों के साथ इट डजन वर्क सो अब इन म्यूज़िक so तो, आपने देखा होगा कि एक ट्रेंड है ट्रेंड शिफ्ट होते हैं आपको ज्यादा बेहतर पता होगा लेकिन योर साउंड हैज़ साउंडी मच द सेम इतना मुझे थोड़ा बहुत लग रहा है yeah. तो यू हैव नॉट मेड एनी म्यूजिक ताकि यार ये ट्रेंड चल रहा है इस पर थोड़ा हम कैपिटलाइज कर लेते हैं नहीं, और मैं म्यूजिक को ऐसे हाँ, हैं, तो विच मेक्स मी लाइक एक रिटोरिकल क्वेश्चन है अगर आप म्यूजिशियन होते हैं हाँ, आप में सॉन्ग राइटिंग एबिलिटी होती है हाँ, आपके यूनिक परस्पेक्टिव से या यूनिक एंगल से आप क्या करते हैं एज अ म्यूजिशियन इस टाइम पे यूट्यूब को यूटिलाइज कर रहे होते क्या कर रहे होते लाइक आई रियली वुग बियलीपल सी द प्रोसेस एंड आई एम आई एज अ परसन एक मतलब मैंने लोगों को गाने से तो रीच कर लिया

Have hired somebody Achha, to shoot you and like like then edit kind of like Gary v. आ, Gary yeah 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 फिल्म yeah. 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 <laughs> <laughs> uh, uh, आती है ना टोर्स mm -hmm. uh, uh, की फिल्म आती है yeah, उस, yeah. उस तरह का नहीं लेकिन अगर आप उसको से, जिस तरह आप शूट करते हो अपने

लेकिन मुझे अंदर ऐसी चीज़ लगती थी कि यार नहीं साथ साथ व्लागिंग भी करनी चाहिए लोगों को ज़्यादा वो बहुत पसंद आ रहा था व्लाग्स यू नो जब भी मैं ऑनलाइन जाता हूँ कहते हैं व्लाग नहीं आपके आता ये नहीं आता बट मुझे ये हो रहा था कि यार फिर वो टाइम जो है वो म्यूज़िक का जो है वो उसमें जा रहा, मैं रहा है मैं ये सोच रहा हूँ कि ब्लॉग का क्या आइडिया हो सकता है राधा दिन के कोरस क्या हो सकता है इस गाने में अच्छी लिक क्या हो सकती है इस तरह की चीज़ें मैं नहीं सोच रहा था देखिए जेनवन एडवाइस मेरी ये होगी कि आपको अपने आप को माइंडफुल रखना पड़ेगा कि जो मैं कर रहा हूँ ये मुझे अपने आप को रोज़ाना याद दिलाना पड़ता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो मेरी ऑडियंस बनाएगा और जो भी मैं कर रहा हूँ एक दफ़ा वो ऑडियंस बन गई तो आई हैव टू कीप डूइंग इट फॉर द रेस्ट ऑफ माय यूट्यूब करियर तो अगर आपने एक दफ़ा वो ऑडियंस बना ली मतलब अभी स्टिल स्टिल्स नॉट टू लेट अगर आपने एक दफ़ा वो ऑडियंस बना ली हु इज़ इंटरेस्टेड इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग म्यूजिक एंड हाउ बिलाल खान डज इट एंड वो yeah. तो आई थिंक भले व्यूज़ कम आएंगे लेकिन पूरे पूरे दस मिनट वो देखेंगे ये बात है हाँ। अब मेरी अनफॉर्चुनेटली जो यूट्यूब की बनी है हाँ। वो इतना मिक्सचर बन गया है कुछ मैंने ड्रामा किया हाँ। उधर से कुछ लोग आए ड्रामा पे मैं व्लॉग्स भी बना रहा था कुछ लोग वहाँ से आ गए व्लॉग्स के हाँ। कुछ गाना मेरे सुनते हैं वो भी मैं इसी चैनल पे डालता था हाँ। वो वो तो अब मैं जब वीडियो डालता हूँ तो यूट्यूब को समझ नहीं आता कि किसको दिखाएं तो उसमें फिर जब मैं बहुत अरसे बाद डालता हूँ तो थोड़े से व्यूज आते हैं चाहे गाना डालू या ब्लॉग डालू या Um, वो एक डायरेक्शन नहीं बन रही लेकिन यूट्यूब पे मैंने एक और चीज़ नोटिस की है कि जो अगर आप उसके स्टार्ट्स में जाएँ द पीपल हुई वेरी वेरी लो लाइक टेन परसेंट समीपल वैन कम टू योट नो किस मुझे मेरे साथ भी यही है थोड़ा सा अलग है थर्टी सेवेंटी है कभी फोर्टी सिक्सटी हो जाता है अच्छा लेकिन आई डोंट नो क्या सीन है इसका तभी मतलब मैं लोगों को कब नहीं कहता था अपनी वीडियो में कि सब्सक्राइब करें हाँ. पहले दिन से मेरी किसी वीडियो में मैंने नहीं बोला कोई इसकी कोई ऐसी कोई खास वजह नहीं है हुँ. मेरा बस शुरू से एक वो था कि इफ पीपल वाचिंग माय वीडियोस दे शुड फील लाइक दे आर हैंगिंग आउट विद अ फ्रेंड राइट और फ्रेंड्स आपको नहीं बोलते कि हाँ जरा फॉलो कर दें लाइक कर दें दैट वॉज द थाट इट मुझे उससे बहुत नुकसान हुआ है right. क्योंकि जब भी मेरी यूट्यूब के किसी ए, उससे बात हुई है रेप से उन्होंने यही बोला है कि नहीं पीपल फॉरगेट समटाइम्स टू सब्सक्राइब राइट वो आप सर्च करेंगे कि इसकी नई वीडियो आ रही है नहीं आ रही बट दे डोंट सब्सक्राइब एंड मोस्ट ऑफ़ द पीपल मेजोरिटी ऑफ द पीपल उनका अकाउंट साइंड इन भी नहीं होता अक्सर mm -hmm. तो ये भी हो सकता है बट आई हैव अ क्वेश्चन आई यू एक्टिंग नाउ नॉट राइट नाउ नो अच्छा मुझे एक चीज़ लगती है इट्स जस्ट एन ऑब्जर्वेशन प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग के बहुत सारे हमारे एक्टर्स हैं जो एक्टर नहीं बनना चाहते इंक्लूडिंग मी या बट उनको कोई ऐसी ऑपरचुनिटी मिलती है जिसमें उनको स्क्रिप्ट भी इतनी कोई ख़ास पसंद नहीं है बट दे डू इट बिकॉज उसके बाद ना आपका लेवल ही अलग हो जाता है आप टी वी पर आ रहे हैं जैसे मैं एक्ट्रेस देखता हूँ मॉडल्स देखता हूँ जो एक्टर बन जाती हैं कि द काइंड ऑफ म्यूजिक दैट दे लिसन टू द काइंड ऑफ क्लोथ दे वेयर द काइंड ऑफ प्लेसेस दैट दे हैंग आउट At, it's, मुझे लगता है ऐसा मैं समझाऊँ शायद मुश्किल हो मुझे मुझे लगता है ऐसा है कि ये जो उन्होंने ड्रामा किया है अगर इस ड्रामा में शायद अगर ये ना होती ना uh. तो ये कभी नहीं देखती और ये हैं भी एक्ट भी, भी कर रही हैं फिर भी शायद ये ना देखें बिकॉज द मनी इज गुड एंड इट पुट्स दैम इन दैट टी वी एक्टर वाली लीग इज दैट ट्रूल सो वन आई डि ड्रामा फर्स्ट टाइम वॉज टेलीफिल्मो हम टी वी वालों ने मुझे अप्रोच किया था एंड आई स्पेसिफिकली से नहीं होगा मैं ही uh. नहीं सकता uh. नहीं, नहीं आप बहुत अच्छा करेंगे uh. कर लें. एक टेलीफिल्म थी तीन दिन या चार दिन का शूट था मैंने कहा अमेरिका में पढ़ने चला गया था मास्टर्स करने uh, उसके बाद फिर मैं जब वापस आया था आई हैक स्टूडियो आई ह्यूज सॉन्ग्स ऑन कोक स्टूडियो बट आई जस्ट ऑफ फॉलो राइट right? hmm. नए लोग आ गए थे कोक स्टूडियो वाले फोन भी नहीं उठा रहे थे तो देन लाइक like, मैं क्या करूँ एंड लकीली दिस अपॉर्चुनिटी के स्क्रिप्ट आते रहते थे एक्टिंग के एंड आई वुड से मैंने नहीं करा नहीं करना फिर एक स्क्रिप्ट आया जिसमें एक वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर था यू एस एड उसको आ, कर रहा था hmm. उसमें एक रोल था मैंने कहा मुझे एक्टिंग आती नहीं मैं कैसे करूँगा तो उन्होंने कहा नहीं आप भी इतना ज्यादा भी रोल नहीं है मेन रोल है लेकिन लाइक वो एक्ट्रेस जो है उसका मेन हीरो यही है लेकिन इसकी कास्ट बहुत बड़ी है इसमें इस तरह प्रोजेक्ट बड़ा अच्छा mm. अब मेरे पास और कुछ इस वक्त था नहीं mm. मैंने कहा ठीक है चलो कर लेते हैं उसका नाम सम्मी था दैट एंडेड अप बिकमिंग रियली बिग उसके बाद एक और ड्रामा आया खामोशी उसका स्क्रिप्ट मैंने मैं हमेशा अपनी अम्मी को पढ़ाता हूँ और मैं mm. उनसे गेज करता हूँ आई गॉट अ लॉर्ड ऑफ स्क्रिप्ट आई डेंट एनी ऑफ बिकॉज माई मॉम से नहीं ये नहीं अच्छा ये नहीं अच्छा ये वाला इसमें उन्होंने कहा ये अच्छा है लेकिन ये वाला कैरेक्टर अच्छा है

इस ड्रामे में भी आई वॉज एबल टू जस्टिफाई सो इन देंस इट वॉज इन रेली बैड फॉर मी मैं आपसे पूछ ही रहा हूँ आपसे ही पूछ सकता हूँ बिकॉज यू आर दैट वन पर्सन जिसने सारी ये दुनिया देखी है. <laughs> म्यूजिक वाली भी यूट्यूब वाली भी ड्रामा yeah. वाली भी मुझे ऐसा लगता है कि एक्ट Act, एक एक्टर है फीमेल एक्टर hmm. सही है मैं मैं आपका म्यूज़िक सुनता हूँ मैं आपका यूट्यूब देखता हूँ मैं आपका इंस्टाग्राम देखता हूँ आई कैन सोड ऑफ फील दैट सिनर्जी कि ये एक ही बंदे ने किया है हाँ आई कनेक्ट विद बिलाल खान एंड ही कैन डू दिस पॉडकास्ट मैं पॉडकास्ट right. में जब उसको देखता हूँ देखती हूँ आई कैन फील कि हाँ ये वही बिलाल खान है जिसने म्यूज़िक किया होगा श्योर sure. लेकिन फिर मैं उसको ड्रामा में देखती हूँ मुझे लगता है कि नहीं बिलाल खान तो ये चीज़ें देखता ही नहीं होगा तो वाई इज़ ई डूइंग इट राइट right. ये मुझे मेजॉरिटी ऑफ एक्ट्रेसस मॉडल टर्न्ड एक्टर्स इनके साथ फील होता है बिकॉज़ वो इतना जिस तरह आप सोचते हैं ना चीजों के बारे में कनेक्ट yeah. करते हैं आर्टिस्टिक आपकी एक सोच जो है ना बहुत आर्टिस्टिक है जो yeah. मैंने अभी तक अंदाजा लगाया आर्ट फॉर यू इज वेरी इंपॉर्टेंट यू यू ट्राई टू प्रोटेक्ट इट ठीक है मोस्ट पीपल डू नॉट थिंक लाइक दैट मोस्ट पीपल

तो वो जो आप थ्रेड जो वीव करना चाहते हैं वो आपको मिलेगी नहीं क्योंकि वो उन्होंने कभी ऐसी इस तरह बनाई नहीं अपना hmm. के लिए या वो इस तरह सोचते नहीं है कि मैं ऑथेंटिक हूं या मिलियंस ऑफ व्यूज हैं yeah. चल रहा है चलने दो बिकॉज़ दैट ड्रामा विल कन्वर्ट इनटू ऐड कैंपेंस इनटू कमर्शियल्स इनटू बिकॉज़ आप फिर एक हाउसहोल्ड नेम बन गए या है ना और लेकिन फिर उसमें फिर उसमें एक और कंपटीशन आ जाता है Hmm. अब उसको वो वाला एड मिल गया है hmm. मैंने में में क्यों नहीं मिला अच्छा मेरे फॉलोअर्स कम होंगे अच्छा hmm. मेरा ड्रामा इतना हिट नहीं मुझे एक और करना चाहिए hmm. फिर आप और ज़्यादा ट्राई करते हो उसमें करने को तो या इट्स अ गेम ऑन इट्स एंड आई हैव डिसाइडेड कि अगर यूट्यूब से पैसे कनेक्टेड ना होना hmm. तो फिर आई और एनी बडी इन माई पोजिशन वुड बी फ्री टू मेक वट एवर दे वॉन्ट और फिर उनका दिल इतना नहीं दुखेगा अगर दस हज़ार व्यूज आ रहे हैं राइट

वो जेनवनली सेटिसफाइड होगा उसके साथ क्रिएटिवली कि मैं यही बनाना चाहता था यही हाँ। मेरा पैशन वो मुझे शायद लग रहा हो कि थोड़ा सा टू मच मैसेज वाला है या आर्टिस्टिक मूवी नहीं है लेकिन वो उसकी डीएनए के लिए बिल्कुल ठीक देखिए आर्टिस्टिक का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आप बिल्कुल ही बोरिंग चीज़ बना दें नहीं ये तो मेरे लिए बना रहा हूँ सही है आप लोगों थोड़ी जिस तरह मार मूवीज़ हैं हाँ आप करते हैं तो मारल मूवीज़ को खैर लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि मुझे लग जब मैं शाहरुख खान के इंटरव्यूज वगैरह सुनता हूँ और जब मैं शाहरुख खान की ट्वीट्स देखता हूँ एंड देन आई वॉच इज मूवीज मुझे एक कनेक्ट नज़र आता है बिल्कुल एब्सोल्युटली yeah. जो मुझे इधर नहीं आता लेकिन right. आपका कहने का मकसद ये वो, मुझे ये लगता है कि वो ड्रामा देखने के बाद करने के बाद शायद वो देखते भी ना हो बिकॉज इट्स नॉट द काइंड ऑफ दे कंज्यूम या जस्ट डूइंग इट एज अ जॉब या They're not doing it as an yeah. art form yeah. or something that they enjoy. They're just doing it as a worker. Yeah. Yeah, I completely get that. Mm -hmm. uh, I, and you're right with your observation. A lot of people are like that in mm -hmm. the industry. Um, the other thing I wanted to talk to you about do we have? St do you still have time? Yeah, yeah, time. Okay. Okay. Um, was your scenes brand? Yeah. वैसे ही गया प्रोडक्शन में मसले हुए मैंने भी बी के वेयर शुरू किया था और उसमें जो मुझे सबसे बड़ा इशू हुआ था मैंने कनाडा से बैठ के यहाँ बनवाने की कोशिश की थी एंड इट वाज द वर्स्ट नाइट मेयर ऑफ माई लाइफ मेरा एक्सपीरियंस अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा गया है आई हैव नेवर ट्राइड टू स्केल इट इंटेंशनली उसका जो स्टार्टिंग में आ, उसको बनाने की जो वजह थी वो ये थी कि आई डिड नॉट वॉन्ट टू रिलाई ऑन ब्रांड्स एज मच कि मुझे जब तक ब्रांडेड कैंपेन नहीं मिलेगी तब तक देखिए मैं रोज़ाना अपलोड कर नहीं रहा तो मेरा एडसेंस इतना है नहीं राइट right. तो दूसरा ऑप्शन है ब्रांड्स ब्रांड्स जब आते हैं तो उसका फ़ायदा ये होता है कि बहुत ज़्यादा पैसे लेकिन नुकसान भी है कि क्रिएटिव फ्रीडम कॉम्प्रोमाइज़ तो मुझे एक अच्छा ये रास्ता लगा कि आई शुड स्टार्ट ब्रांड क्लोदिंग ब्रांड लोग उसको मर्च कहते हैं मैंने कभी उसको मर्च नहीं बोला hmm. लेकिन मैंने किसी को करेक्ट भी नहीं किया राइट right. आप मर्च समझ के खरीदो हाँ आप ख़रीदो म, हमारे पार्टनर्स हैं एक मेरी वाइफ हैं हु हैंडल्स ऑल द ऑपरेशन अच्छा एक और पार्टनर हैं जो सारी मैनुफेक्चरिंग देखते हैं okay. और उनका बहुत एक्सपीरियंस है तो उसमें कभी प्रॉब्लम नहीं हुई लकी फाउंड द री डोंट इंटेंड ऑन स्केलिंग इट हम लिमिटेड करते हैं और हम वो चीज़ें बनाते हैं मैं मेरा, मेरा काम है मार्केटिंग एंड uh, जो भी डिज़ाइन बन रहा है मैं अप्रूव करता हूँ मैं अप्रूव नहीं करता हूँ तो सही. वो नहीं बनता सही तो हमारा गोल उससे बस ये है कि जो मेरी कोर ऑडियंस है दे बाय दे गेट सोल्ड आउट इन लाइक दो तीन दिन और वो सोल्ड आउट होने की एक वजह यह भी है कि यूनिट्स कम होते हैं या yeah. तो मैं उसको स्केल करना भी नहीं चाह रहा हूँ इट्स लाइक अ साइड हॉबी पैशन मेरी बेगम को बहुत शौक है कपड़े डिज़ाइन करने का बनाने का तो शी ऑल्सो हैज़ फन लेकिन ये अभी वो नहीं बना जो आप चाह रहे थे कि साइड पे चीज़ हो बिजनेस के वो फिर रिलाय ना करना पड़े जो मेरी इनिशियल इंटेंशन थी वो तो ये नहीं बना लेकिन अब वो इंटेंशन चेंज हो गई है क्योंकि वेदर आई लाइक इट और नॉट इसका जो जितना सक्सेसफुल ये होगा उसका मेरी सक्सेस से बहुत क्लोज लिंक है मेरे दस मिलियन सब्सक्राइबर हो गए तो ये बहुत ज़्यादा बिकेंगे क्योंकि ऑडियंस बड़ी हो गई है तो नॉट ने दो राइट अनलेस इट बिकम्स एन एंटिटी ऑफ इट्स ओन अलग ही ये चीज़ हो गई लेकिन फिलहाल तो मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ जितना बड़ा मेरा प्लेटफॉर्म है उतने ज़्यादा लोगों को मैं बता सकता हूँ इसके बारे में तो दैट दैट थाट हैज चेंजड अब ये है कि जब भी आता है आई मार्केट इट और दो तीन हजार चार हजार मैक्मम पीसेज होते हैं वो बिक जाते हैं इन अ फ्यू डेज राइट एंड वी आर हैप्पी विद डू यू थिंक लाइक पाकिस्तानी पीपल आर वेरी प्राइस कॉन्शियस दे आर एक्सट्रीमली प्राइस कॉन्शियस एंड यू कॉन्ट री ब्लेम दैम हालात जो हैं जैसे कि आई आई हैड सिमिलर एक्सपीरियंस इन डिजिटल प्रोडक्ट्स मैंने लाइट रूम प्री सेट बनाए दो और एक प्री सेट यार हार्डली पाँच सौ रुपए का है उस पर भी मुझे ऐसे ऐसे मैसेज आए हैं कि वी कॉन्ट अफोर्ड इट हमें आप ऐसे ही दे दें गिफ्ट कर दें ये वो अब पाँच सौ रुपए का लोग खाना मतलब आप यूट्यूब देख रहे हो आपके पास स्मार्टफोन है या yeah. आप फोटोग्राफी कर रहे हो आपके पास कोई अच्छा खासा कैमरा होगा या फोन अच्छा होगा एंड देन यू इवन स्पेंड तो प्राइस कॉन्शियस लेकिन साथ थोड़ा कंजूस भी है हमारे यहाँ ये बहुत नया कॉन्सेप्ट है ना हाँ, कि आप पैसे देंगे पैसे देंगे yeah. तो आई थिंक वो थोड़ा टाइम लगेगा yeah, sure. um, I mean, right तो बिल्कुल भी कुछ नहीं था आ, अब एटलीस्ट लाइक लोग आर यूज टू कैश ऑन डिलीवरी कार्ड यूज करते हैं ये करते हैं वो करते हैं आर लाइक एनी अदर बिजनेस वेंचर्स थिंकिंग ऑफ मैं अब देखें अब इतना आर्टिस्टिक हूँ तो बिजनेस माइंडेड तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ बट फॉर्चुनेटली आई फाउंड द राइट इन माई वाइफ अच्छा तो बस जो भी वो कहती है ना मैं मैं आई एम एफ हूँ तो मैं पैसे मैं मास सफदर की तरह सोच रहा हूँ लेकिन मैं बस ये नहीं चाह रहा कि आई एम द फेस ऑफ इट राइट तो मैं अभी बेगम के ऊपर रिलाय कर रहा हूँ कि शील टर्न माई YouTube बैक इन टू पैशन अगेन राइट तो ये टॉकिंग ऑफ आई एम एफ यू सीम लाइक समबड़ी हु डज थिंक अबाउट इकोनॉमी एंड स्टफ या या तो पाकिस्तान के हालात पे अगर आप कुछ थोड़ा सा तबसरा तबसरा कर रहे हैं। <laughs> क्या लग रहा है कि आगे कश्ती चल रही है मुश्किल टाइम बहुत आने वाला है ये यूट्यूब शूट्यूब वाला सीन देखें मुझे ये लग रहा है कि ये स्पेकुलेशन ही है हाँ। आई एम एफ अगर हमारी अभी पास कर देती है ट्रांच तो हम कुछ महीने और सर्वाइव कर लेंगे फिर दोबारा यही मसले होंगे फिर हाँ। कुछ और महीने सर्वाइव कर लेंगे तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है नहीं बेसिकली like इस गर्मियाँ श्रीलंका वाले हालात आपको नजर आ रहे हैं या उससे बुरे आ, नज़र आ रहे हैं या? Again, I don't know कि वो आई वो आईएमएफ वाली चीज़ पास होगी या नहीं लेकिन, लेकिन अगर हम, हम अपने तौर तरीके चेंज ना करें हमारी कैबिनेट का साइज इंडिया से बड़ा है हाँ शायद दुनिया में हम टॉप दो तीन कंट्रीज हैं जिनकी कैबिनेट इतनी बड़ी है राइट हम इंडिया और हम एक साथ आजाद हुए थे वो आज तक आई के पास एक दफ़ा गए yeah. हम आई थिंक शायद ये हमारा ट्वेंटी थर्ड टाइम है mm -hmm. तो कुछ तो ऑपरेशनल गलतियां हैं नहीं वो तो अब आईएमएफ खुद ही दुरुस्त करवा भी रहा है हाँ हा? आ, वो तो जबरदस्ती अब करना पड़ेगा और आगे इलेक्शन भी हैं लेकिन पॉलिटिक्स साइड जो एक्चुअल सिचुएशन है कि जो भी आएगा अब नेक्स्ट इलेक्शन जीत के या जब भी होंगे मसला है ये थर्टी फाइव बिलियन डॉलर हर साल वापस करने हैं फॉर द नेक्स्ट फाइव ईयर्स और आपके पास अभी अकाउंट में तीन बिलियन या टू पॉइंट एट हो गया हाँ। या। तो वो जो मैथ है आई एम एफ वन पॉइंट सेवन या जितने भी उन्होंने देने हैं बिलियन वो दे भी देते हैं और उसके बाद और भी फंडिंग आ जाती है लेकिन वो जो गैप है वो इतना बड़ा है कि अनलेस mm. यहाँ पे फ्यूल राशनिंग हो या लाइट जाना शुरू हो जाए इस तरह की चीजें बहुत श्रीलंका mm. में बड़ी हार्ड उन्होंने mm. देखे थे छह महीने mm. उस तरह की कंडीशन जब तक ना हो वो चीज करेक्ट होगी नहीं लाइक विल हैव टू गो थ्रू अ लिटिल बिट ऑफ पेन पीरियड इसमें शायद ब्रांड्स भी अपने मार्केटिंग बजट खींच लें कंपनीज बंद होना शुरू हो जाए बिजनेस बंद होना शुरू हो जाए ऐसी चीज़ आपको नजर आ रही है कि नहीं ऐसी चीज़ मुझे देखिए नज़र तो नहीं आ रही लेकिन आई एम प्लानिंग फॉर इट राइट मेरे पास अभी एट दिस मोमेंट पाकिस्तानी रुपीस में कोई पंद्रह बीस लाख रुपए होंगे उससे अलावा जितने भी मेरे पास पैसे हैं वो कहीं ना कहीं और इन्वेस्टेड हैं अच्छा या किसी और करेंसी में हैं या क्रिप्टो में हैं या गाड़ी में है या प्रॉपर्टी में है तो मैं अपने रिश्तेदारों को दोस्तों को सबको यही मशवरा दे रहा हूँ कि सेफेस्ट ऑप्शन ये है कि आप पी ना रखें लेकिन फिर तो like हाँ, लोग बोलते हैं कि ये तो आप मुल्क के साथ गद्दारी कर रहे हैं प, प, अगर कोई पीछे रखेगा ही नहीं हाँ। तो फिर तो वो और नीचे जाएगा हाँ। तो यहाँ पे फिर ये अलग ही डिबेट है कि मैं मुल्क के लिए कितना सेक्रीफाइस करूँगा टैक्स पेइंग सिटीजन लॉ अबाइडिंग सिटीजन अब मैं अपने बच्चों को सड़क पे ले आऊँ बीवी को बोलूंगे नहीं हम भूखे मरेंगे क्योंकि ये है या फिर यू प्लान के यू विल मूव अब्रॉड आपने कभी नहीं सोचा ब्रॉड मूव करने मैं तो रोजाना दो दफा सोचता <laughs> <सोने सा पैसे laughs> हूं सोने से पहले अगर जाना हो कहां जाए मैं आई विल प्रोबब्ली गो टू द यूके दैट्स माय फर्स्ट प्रायोरिटी यू हैव वीजा लाइक इमिग्रेशन है यूके नहीं 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 है लेकिन मेरे बहुत सारे रिश्तेदार वहां हैं दोस्त वहां हैं तो मुझे लगता है कुछ सपोर्ट सिस्टम होगा और मुझे लेकिन ये भी इमिग्रेशन लेना बहुत मुश्किल नहीं है लाइक इज नॉट ट्राई करेंगे मुझे ये लगता है कि देखें दुबई वगैरह पैसे कमाने जाते हैं वो आपको कभी भी अपना सिटीजन नहीं मानते नहीं नहीं मानते लेकिन चूजेस तो अगर कुछ आ नहीं। आ जाएं हम दोनों देखिए कनाडा और यूएस का ना मुझे बहुत लोगों ने बोला है और कनाडा मैंने सुना है कि सबसे ज्यादा इमिग्रेंट फ्रेंडली है आउट ऑफ ऑल कंट्रीज मसला सिर्फ ये है कि किसी भी वजह से अगर आपको वापस जाना है तो आप बीवी बच्चे अच्छा खासा आप खर्चा ऑलरेडी दिमाग में ले आते हैं यू थोड़ा सा नज़दीक है सात घंटे की फ्लाइट है तो आपको इतना बड़ा नहीं लगता श्योर बट यूके में ये है ना कि वो कनाडा में भी आपकी इमिग्रेशन होना ईजियर है या यूके वाले बहुत स्ट्रिक्ट है अपनी वो स्पेशली ब्रेक्सिट वग़ैरह के बाद तो बहुत ज़्यादा उन्होंने स्ट्रिक्ट तो वहाँ जॉब्स भी मिलना मुश्किल है कोई अगर आप हाँ। <laughs> आपके पास बहुत सारे पैसे हैं फिर आप वो इन्वेस्ट करके इन्वेस्टर वाला वीज़ा ले सकते हो एंड कैनेडा इज़ लाइक फ्रेंडली फॉर न्यू इमिग्रेंट्स टू लाइक बहुत सारे पाकिस्तानी है वहाँ कभी कभार गोरा ढूंढना मुश्किल हो जाता है कल लोग आते कैनेडा गोरा देखे है। mm. कोई देसी फिर रहे सारे इधर तो आ, अच्छा, मेरा, think, एक दो दोस्त हैं कनाडा में उसके अलावा कोई भी नहीं है अच्छा, और मुझे सर्दी वो उस तरह कभी देखी नहीं लिव ऑल माई लाइफ इन कराची yeah, 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 yeah. तो पता नहीं यार आदत हो जाती है समर से बहुत अच्छा होता है अच्छा, मैं बिल्कुल ऐसा था मैं ऐसा था कि जो लोग पाकिस्तान छोड़ के जाते हैं ना वो गद्दार हैं वो <laughs> जिस हाल में जीना मुश्किल है उस हाल में जीना लाजिम है और थिंक लाइक दीज लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि हमारा जस्टिस सिस्टम फ्लॉड है hmm. मतलब हमारा कोई भी टॉप टियर सियासतदान कभी जेल नहीं जाएगा 99.9% नाइन परसेंट गेट बेल श्योर लेकिन एक आम आदमी जलील होगा अभी बहुत रिसेंट मेरा एक्सपीरियंस है वेंट टू अ पब्लिक हॉस्पिटल वहाँ अब मुझे आदत है कि मैं जाऊँगा तो कम से कम रिसेप्शन वाला मुझसे तमीज़ से बात करेगा हाँ. मैं गया मैंने बोला कि भाई ये सी स्कैन कराना है मेरे हाथ में स्लिप है कहाँ से होगा उसने ऊपर भी नहीं जाएगा उसने बोला बाहर पूछ लो मैंने बोला किससे पूछना है भाई गाइड कर दो बाहर हज़ारों लोग खड़े हैं किसी से भी पूछ लो <laughs> <laughs> उसके बाद आई कॉल्ड समबडी मैंने अपना वो सोर्स लगाया एंड विद इन लिटरली नेक्स्ट टेन मिनट्स मेरे हाथ में सीटी स्कैन की रिपोर्ट थी सब <laughs> हो गया या, या। तो यहाँ ना कोई सिस्टम है ना कुछ और है और जो सबसे ज़्यादा दुख की बात है वो ये है कि शायद मेरी ज़िंदगी में कुछ चेंज ना आए शायद एक दो जनरेशन के बाद अगर चीज़ें हम बहुत ड्रास्टिकली चेंज करते हैं तो उसका एक्चुअल इम्पैक्ट इतने टाइम बाद आएगा right. तो आई डोंट डोना देखिए मैंने जिंदगी गुजार दी मैं अगर कल यूके मूव हो जाऊँ तो क्या करूँगा मैं काम करूँगा लेकिन आई डोंट माई किड्ड्स तो मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम उनके पास एक ऑप्शन हो yeah. और जब भी ये सवाल आता है ना तो पहले ऐसा होता था, था कि मेरे जहन में ना आप सामने वाला सवाल कर रहा है और मेरे जहन में ऑलरेडी एक आर्गूमेंट फॉर्म हो रहा है कि नहीं ऐसे डिफ़ेंड करेंगे इसको ऐसे करेंगे मुझे डिफेंड नहीं करना आपकी ज़िंदगी है आपकी ज़िंदगी एक ही दफ़ा मिलती है या आपको सत्तर अस्सी की एज में जाके रिग्रेट ना हो बिल्कुल तो आप ट्राई कर लें अगर आपको बाहर मज़ा नहीं आया वापस आ जाएँ हाँ ये तो ऑप्शन है हमेशा हाँ लेकिन अगर आप यू गए तो आप क्वान्टी बनाएंगे मैं देखें कोशिश कर रहा हूँ ना कि कोई और साइड बिज़नेस चल जाए ताकि मुझे बनाना नहीं पड़े सही लेकिन आई हैव नॉट ये थाट अबाउट दैट कि करना क्या है वहाँ जाके वुड यू बी ओके विद स्ट्रगलिंग आई विल बी ओके विद एनी स्टोर में अगर काम करना पुर? हाँ हाँ कोई लोग जाएँ जी इरफान चुने जो वहाँ स्टोर में हाँ हाँ मुझे कोई एतराज नहीं है मैं मास्क पहन लूँ काम कोई छोटा नहीं होता

देखा है देखा हाँ। था यूट्यूब से पहले आई यूज टू प्ले फुटबॉल अच्छा आई टू बी प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर हमेशा से राइट right. तो आई आई एंड वेरी गुड एट इट एज वेल अच्छा तो कराची फुटबॉल सीन में आई वॉज लाइक like शाहरुख खान अच्छा <laughs> <laughs> तो मैंने देखा है कि वो कितना शॉर्ट लिफ्ट होता है

been able to do a lot of stuff. देखिए अगर रियलिस्टिकली स्पीकिंग अगर मुझे अपना YouTube करियर पाकिस्तान में अगले 10 साल चलाना है तो मुझे वेदर आई लाइक इट और नॉट मुझे भी ड्राम में आना पड़ेगा क्योंकि हाँ। गाना गाना आता नहीं है <laughs> और सिंगर्स भी इवेंचुअली आते ही है। इतने yeah. हैं इतने सारे एग्जांपल्स हैं फवाद खान जुनेद खान सो मेनी पीपल तो और कोई ऑप्शन नहीं है और एक्टिंग आती नहीं है राइट right. तो बस हैव टू लुक फॉर अ वे आउट

मुझे लगता है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स थे पाकिस्तानी यूट्यूब सीन में वो यूज़ टू वर्क रियली हार्ड ऑन दीडियोज़ अब मैं ये नहीं कहूँगा कि क्वालिटी कंटेंट वर्सेस क्वांटिटी बिकॉज दैट साउंड्स अ लिटिल डीमीनिंग तो आई एम जस्ट गोइंग टू कॉल इट लो एफर्ट एंड हाई एंड हाई एफर्ट लो फ्रीकुंसी बहुत सारे यूट्यूबर्स थे इंक्लूडिंग मी जिनकी फ्रीक्वेंसी इतनी अच्छी नहीं थी लेकिन दे यूज़ टू पुट अ लॉट ऑफ टाइम इन द दीडियोज ड्रोन शॉट्स एडिटिंग साउंड वो अब हार्डली कुछ पोस्ट करते हैं right. महीनों में अगर महीनों में करते भी हैं तो वो स्पॉन्सर्ड होता है विच इंक्लूड्स मी तो मुझे ऐसा लगता है थ्योरी ये है कि सीइंग द राइज ऑफ फोन व्लॉगर्स इन पाकिस्तान बहुत सारे जो हाई एफर्ट लो फ्रिक्वेंसी वाले यूट्यूबर्स थे उनका थोड़ा सा डिसहार्ट हो गए और अब उनका दिल नहीं चाहता डालने का हाँ. या, या फिर उसमें से जो अडेप्टेबल हैं उन्होंने अपना स्टाइल ही चेंज कर लिया है वो बिल्कुल अलग शॉर्ट फॉर्म में आ गए हैं या अलग अलग चीज़ें ट्राई कर रहे हैं लेकिन ज़्यादातर मुझे लगता है कि ऐसा आप बताइए कि आपको लगता है या मुझे मुझे तो क्लियर पैटर्न नज़र आता है कि मंथ्स गो बाय एंड डोंट अपलोड राइट right. कि आप इतनी मेहनत करके डालें और आप पे आ जाए थ्री हंड्रेड फोर हंड्रेड थाउजेंड रुपीज़ा मास डालता है रोज और उसके दो तीन तो <laughs> देखिए मास का जो सीन है ना वो ये है कि उसका अपनी ऑडियंस के साथ इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है और सारे फैमिली मेम्बर्स का दैट वही जो मुझे केसी के लिए फील होता था वो बहुत सारे लोगों को तीन मिलियन लोगों को मास के लिए होता है right. कि आज क्या हुआ होगा आज हमने देखना है जैसे मास ने मुझे बताया कि उसने बीच में Uh, दो-तीन दिन के ब्रेक के बाद अपलोड करना शुरू किया एंड हिज व्यूज ड्रॉप बाय सिक्सटी सेवेंटी परसेंट। डैम अच्छा। तो एक दफा जब वो कनेक्शन टूटता है ना तो फिर वो रिवाइव करना मतलब इट्स लाइक दैट हैम्स्टर रनिंग ऑन दैट व्हील के आपको ग्राइंड करते रहना है करते रहना है। जब तक तो, चल रहा है हाँ तो मुझे ही लगता है कि माज इज डूइंग अ जॉब अब मैं ना पहले इस डिबेट में चला जाता था कि यार क्वालिटी कंटेंट है नहीं आ, है मुझे लगता है वो काफी एक इलीटेस्ट बात है yeah. माज इज सपोर्टिंग फैमिली अपनी अम्मी को उम्रे करवा रहा है प्रोवाइडिंग इज फैमिलीबल लाइफ और क्या चाहिए sure. मतलब अपनी एक बंदा चैन से सो सकता है ये सोच के कि आई एम प्रोवाइडिंग माई फैमिली अ गुड लाइफ लाइफर्टेबल तो मुझे उससे कुछ नहीं है लेकिन बस मुझे ये है कि जो हमारे नीच क्रिएटर्स हैं जैसे मैं था और लोग थे दे आइदर मे बी दे दे कैन फाइंड एन ऑडियंस इन इंडिया या, या फिर कोई इंग्लिश चैनल खोल लें लेकिन एस ये नहीं पॉसिबल के कोई मशीन टाइप अप्रोच हो कि जिस तरह जितनी आप डिटेल से बनाते हैं वीडियो या इसी डिटेल से आप डेली ब्लॉग नहीं बना सकते मैं बना पाऊँगा तो वो काफ़ी वो रिलेटेबल रॉ कनेक्शन वो उससे वो लगेगा नहीं नहीं लगेगा बिकॉज आई है और true फिर much. बात वही है ना कि आप हेमस्टर व्हील पे भाग रहे हैं yeah. और यू यू कैन नॉट इवन इन्जॉय क्योंकि आपको तो कॉन्टेंट निकालना है उसमें से अब मुझे मे बी इट्स नॉट ट्रू फॉर एवरीबडी बट इट्स ट्रू फॉर मी कि जिस जिस ट्रिप पर मैंने व्लॉग किया है मैं अल्लाह का शुक्र है बहुत जगह घूम पाया हूँ इसी वजह से यूट्यूब की वजह से लेकिन जिस जिस ट्रिप पर भी मैंने ब्लॉग किया है मुझे उस ट्रिप का कुछ याद नहीं क्योंकि योर माइंड वॉज जस्ट या yeah. मेरी एक बहुत फेमस वीडियो है नाइनटी सिक्स आज एंड टर्की अच्छा उस उस जब मैं वीडियो देखता हूँ ना मुझे याद आती है कि हाँ यार शायद ये भी हुआ था लेकिन अगर आप मुझसे पूछें आई वेंट विद माय बेस्ट फ्रेंड कोई ऐसी मेमोरी कोई ऐसी स्टोरी कोई ऐसी बात हुई हो कुछ <laughs> yeah. आ, लेकिन जिस तरह ये जो डेली व्लॉगर्स आई 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 डोंट नो और कौन है मास के अलावा बट थिंक थिंक डकी कर yeah. बहुत नहीं, नहीं, बहुत नहीं नहीं लोग कर रहे हैं यार डकी सो मेनी हैव डेली व्लॉगर्स इनके लिए कन्वीनियंट भी है ना पूरा घर एक but do they do this like i don't know if you've hung out with any of them but like does it take all of their time like puri life around this hai? do they have time to do any other stuff meri na kisi bhi daily meri inse ek do dfa mulakat but kisi se aise itni achi baat cheet nahi hai acha lekin ab jaise maine ramza pichle ramzan mein maas afdar regularly dekhna shuru kiya ha And i just became hooked Rosanna, what was your first reaction were, were you like नहीं ये क्या लाइक like, ये क्यों मेरा फर्स्ट रिएक्शन ये था कि ये था ये बहुत यंग लड़का है एंड मे इज ओवर शेयरिंग में जाके शायद ही मेरे लिए मैं कंफर्टेबल नहीं होता अगर ये मेरी लाइफ होती है सही, सही. उसको अपनी जिंदगी जीनी है yeah. जज नहीं किया कि यार ये क्या है क्यों like, nah, catchy, uh, नहीं मैंने कंटेंट वाइज जज नहीं किया क्योंकि मैंने ये देखा कि व्हाट तो इस... देख मैंने ये, देखा, <laughs> कि मैंने ये देखा, <laughs> देखा कि मैंने ये देखा अभी जैसे जब ब्रांड कास्ट हुआ था यूट्यूब का इवेंट mm -hmm. उसके एक हफ्ते बाद एक लिस्ट आई थी यूट्यूब की तरफ से उसमें पाकिस्तान के टॉप टेन यूट्यूबर्स हैं माज है डकी है और भी बहुत सारे हैं

गौरव तनेजा फ्लाइंग बीस्ट को देख हाँ, के हाँ, शुरू किया हाँ, 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 या।, या लेकिन uh, मुझे ना ये लगता है कि डेली ब्लॉगिंग पे आप इट टेक्स अ वेरी वेरी ह्यूज टोल ऑन यू मैं अपनी हाँ. बात कर रहा हूँ मे बी आई एम प्रिवलेज लाइक दैट कि मैं ये कह सकूँ लेकिन फॉर मी द कमेंट्स नॉट जस्ट अबाउट यू बट योर होल फैमिली द मैंने कॉमेंट्स पढ़े हैं जाके आई थिंक इट्स नॉट रियली वर्थ इट जैसे मुझे मैं एक डेली ब्लॉगर से मिला उसका नाम नहीं लूँगा मैं लेकिन मैं उसकी बात बताता हूँ जो मुझे ना मेरा एक्चुअली फेल बैड फॉर दैट पर्सन उसने मुझे बोला कि यार मैं अपनी फैमिली को दिखाता हूँ मैंने मैंने मुझसे मशवरा मांग रहा था वो मैंने बोला भाई मत पढ़ो कॉमेंट हाँ उसने बोला यार मैं तो नहीं पढ़ता लेकिन मेरी फैमिली वाले पढ़ते हैं और अगले दिन ना जब वो व्लॉग में आ रहे होते हैं वो थोड़े से रिजर्वड होते हैं वो थोड़े से ना वो थोड़े से बुझे बुझे होते हैं कि यार अब कल ये बातें सुनी है आज दोबारा ये मेक सेंस तो आई फेल रियली बैड फॉर देम कि यार अब अब जैसे द ओनली रीज़न वाई आई डू नॉट शो माई फैमिली नेवर शोड माई फैमिली स्पेशली द दुमेन इन माई फैमिली माई मदर माई वाइफ भाभी उसका रीज़न यही है कि आई डोंट वॉन्ट टू पुट दैम इन दिस सिचुएशन कि यार ये ऐसा बोलती है इस तरह चलती हाँ, है इस तरह, हाँ. तरह कपड़े पहनती है तो और आपको हमारी ऑडियंस का पता हाँ. ही है सोसाइटी का ये है तो मुझे लगता था कि यार ये मेरा शौक है अब जो कि प्रोफेशन बन गया ये मेरा प्रोफेशन है मैं इसके फ़ायदे नुकसान मैं फेस करूँगा आई डोंट वांट एनीवन एल्स टू गो थ्रू इट बिकॉज ऑफ मी लेकिन अगर आप एज सोलो डेली व्लॉगिंग कर रहे हो तो डू यू थिंक व्यूज नहीं आएंगे मैं सोलो व्लॉगिंग की बीच बीच में मैंने नहीं अगर लाइक like, मास हाँ लो क्या लो क्वालिटी हाई फ्रिक्वेंसी हाँ व्लॉगिंग कर रहे हो हाँ डेली जिस तरह अपना आईफोन के साथ हाँ शोइंग एवरी डे लाइफ बट जस्ट यू नॉट फैमिली लेकिन आई थिंक इतना हो जाएगा जितना मैं एक हफ्ते एक वीडियो पर लगाता हूँ <laughs> 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 उतना अच्छा <laughs> 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 uh. मतलब लेकिन लास्ट क्वेश्चन ऑन दिसन विफ देर वॉज If somebody said that if you do daily vlogging for like a year and a half, yeah, you'll get 10 million dollars in your bank account. Yeah, would you do it? Yeah, <laughs> <laughs> <For a laughs> because you have an end goal in sight. Yeah, that, I'm free. Right. But if I start daily vlogging today without the 10 million dollars, then I will a lot of money. I will provide my family a comfortable life. But after that, when that thing ends. मैं वहीं हूँ जहाँ मैं पहले था कनेक्शन ख़त्म हो गया व्यूज़ ड्रॉप हो गए हाँ. मेरे चैनल अभी वन मिलियन पे है तो वो फोर मिलियन पे चला गया लेकिन व्यूज सेवेंटी परसेंट ड्रॉप हो गए तो वो मिलियन डॉलर या टू मिलियन डॉलर आपके बैंक अकाउंट में आ गया तो हाँ तो मेरे वो अब वो ये बात है ना कि आई एम थर्टी टू मे बी दैट्स नॉट वेरी अपीलिंग फॉर मी देन इट इज फॉर अ गाय तो मे बी ही कैन एनर्जी की भी बात होती है वो वो सारी ग्राइंड कर सकता है जो मैं नहीं करना चाह रहा राइट right. मैं चाह रहा हूँ कि मैं इन अपने सालों में वो काम करूँ जो मुझे सारी जिंदगी कुछ रिजल्ट दे और उसके अलावा तो वो तीन मिलियन डॉलर बनने हैं वो भी तो रिजल्ट ही है ना अगर मैं कोई ऐसा फॉर एग्ज़ाम्पल एफ आई अगले डेढ़ साल के लिए आए इंस्टेड ऑफ डेली ब्लॉगिंग आई ग्रो गो क्रेजी इन क्रिप्टो एंड ए आई एंड ऑल ऑफ तो मे बी दैट कैन पे ऑफ और वो फिर सारी जिंदगी चलता रहे श्योर sure. जैसे फ्रेंड ऑफ माइंड हैज वो अभी वी सी फंडिंग ढूंढ रहे हैं hmm. वी सी से मीटिंग कर रहे हैं अगर उनको फंडिंग मिल जाती है और उनका मतलब यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन जाता yeah. है। तो वो तो सॉर्टेड है और वो फिर एक, ये भी तो हो सकता है कि वो ना चले वो तो डेली व्लॉगिंग में भी हो सकता है <laughs> नहीं लेकिन डेली व्लॉगिंग में आपको एज है ना हाँ जिस तरह उनको है कि तो आप आप करें आपको देख के मैं स्टार्ट करता हूँ <laughs> <laughs> uh, तो uh, जाते जाते मैं हम ऐसी रैंडम सवाल भी पूछते हैं बट एनी लाइक बेस्ट मोमेंट्स सो फार इन योर यूट्यूब करियर लाइक वन दैट यू थिंक मोस्ट फॉन्डली ऑफ कि ये चीज़ You, आपको बिजनेस को क्लास एक मिली थी Emirates से वो तो काफ़ी मटेरियल लेकिन हाँ मतलब इट कैन बी एनी मेमोरी पहली दफ़ा जब मैंने अपना बिल बोर्ड लगा हुआ देखा था अपने शहर में तो दैट वाज अ वेरी वेरी स्पेशल फीलिंग राइट वो होता है ना कि आई हैव अराइव्ड मैंने जितने भी मेरे ने और डाउटर्स थे हाँ. जिनको ये क्या कर रहा है इरफान अपने बस कैमरे से बात करता रहता है वो मेरे लिए एक चीज़ थी कि हाँ आई डिड दिस राइट इन इन दिस मोमेंट तो मैं वही सोच पा रहा हूँ बाकी छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी हुई हैं uh, मेरी फैमिली में कोई दूर दराज़ किसी ने बोला कि यार मैं नहीं हूँ उधर प्रेजेंट लेकिन किसी और ने मेरी अम्मी को बोला कि मेरे बच्चे फ़ैन हैं और वो तो पूरा दिन उसी की बातें करते रहते हैं हाँ uh. अब जैसे जब मेरा यूट्यूब नहीं था मेरी अम्मी ना फाद मुस्तफ़ा की बहुत बड़ी फ़ैन थी तो वो बोलती थी कि यार ये देखो तुम ऐसा कुछ करो ना कुछ ये देखो <laughs> ये <होता है। laughs> तो फिर बीच फेर में मेरा एड आता था टीवी के बीच में तो अफवाद मुशतबा तो खैर नहीं हुआ लेकिन कुछ <laughs> तो इस तरह की चीज़ें हैं रियली हैप्पी विद माय यूट्यूब एंड द जर्नी मुझे कोई रिग्रेट्स नहीं है अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है इट कम्प्लीटली चेंज माई लाइफ लेकिन आई वॉन्ट बी मोर माइंडफुल मैंने कुछ गलतियाँ की हैं मैंने ऑडियंस को अपने काम से ज़्यादा अपने आप से अटैच करवा दिया अब पीपल लाइक मी आई वॉन्ट देम टू लाइक माई वर्क ये मेरी जिंदगी का सब ऑडियंस और मेरा ये सबसे बड़ा मसला है अभी राइट दे वॉन्ट टू सी कि आपने नई गाड़ी कौन सी लिया है इसका रिव्यू बनाए right. मुझे बनानी है फूड डॉक्यूमेंट्रीज oh. तो इस वजह से अभी ये थोड़ा क्लास चल रहा है वो शॉर्ट हो जाएगा लेकिन ऐस सच मुझे कोई रिग्रेट नहीं है

Um, but then you guys—it seemed like you guys had grown apart. Yeah, uh, and you guys are back now. It seems. Uh, but ab, uh, what i am trying haan, to Hamza ki baat karein. Haan. Aap to just haan name him Um, so have you ever discussed why you guys? Because you guys were very close, right? Yeah, yeah, we were very, very close. And after that, a few things happened. Which I need karna do. want to discuss. Because no such thing is there I discuss. bad. लेकिन फिर ना टीम्स बन जाएंगी राइट right. हमजा टीम इरफान टीम और फिर ऑनलाइन mm -hmm. और दैट विल जस्ट रू इन ऑल द टाइम दैट वी हैड स्पेंड टुगेदर जो right. लोगों ने भी बहुत सारा विटनेस किया है right. बस वी ग्रू अपार्ट और फिर हमें लगा दोनों को कि ऐसा ना हो कि कहीं मिलें तो ऑकवर्डनेस हो मुंह घुमा लें और बात नहीं कर पा रहे तो फिर उसके कुछ टाइम बाद वी सैट डाउन वी डिस्कस्ड ंग हमने जो भी जिसके दो जो दिल में बात थी वो सॉर्ट की एंड नाउ वी मीट नॉर्मली कुछ ऐसा कोई कोई लड़ाई नहीं है कोई मसला नहीं है राइट आर यू वैसे हार्ड पर्सन टू वर्क लाइक यू स्टबन अबाउट कि नहीं मुझे ऐसा ही करना है और, ये तो आपको वही लोग बता सकते <laughs> हैं हाय <चे. laughs> <laughs> ट्राई कि मैं कुछ चीज़ें में मैं बहुत फ्लेक्सिबल हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि जिन लोगों के साथ मैं काम कर रहा हूँ वो कम्फर्टेबल हूँ लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिन पे मैं बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहूँगा वो जो पूरे प्रोजेक्ट को इफ़ेक्ट कर रही हूँ जो पूरी विजन ही ख़राब कर दें हाँ. जैसे छोटी मोटी चीज़ है कि मैं इस इन कपड़ों में कंफर्टेबल नहीं हूँ हाँ. चेंज कर लो मुझे कोई मसला नहीं है सही. लेकिन मेरा ये मानना है ओवर द इयर्स ऑल द रिलेशनशिप्स आई हैव बिल्ट के यू डोंट वर्क with ब्रांड्स यू डोंट वर्क with कंपनीज यू वर्क with पीपल या yeah. मुझे एक एजेंसी छः महीने पैसे नहीं दे मुझे मैं उनको एक मैसेज भी नहीं करूँगा लेकिन बहुत सारी एजेंसीज हैं जिनसे मैं हंड्रेड परसेंट पैसे एडवांस लेता हूँ अच्छा दे देते हैं मैं हाँ मैं बन्ना बोलता हूँ मैं नहीं करूँगा अच्छा तो कभी कभार दे देते दे दे हैं वो <laughs> बड़ा ख़राब एक्सपीरियंस रहा है मेरा yeah. तो इस वजह से आई ट्राई कि मैं कम से कम सामने वाला हो और शादी से पहले आपके डी में लड़कियों के मैसेज आते थे या शादी के बाद ही वे? शादी से पहले आते थे बहुत शादी के बाद तो आई डोंट थिंक आते हैं अच्छा है? <laughs> ड्राई अप <उप> हो गए लाइक बिकॉज ऑफ यूट्यूब करियर या फीमेल अटेंशन आपने नोटिस की थी या फुटबॉल जब खेलते थे तब भी नहीं तब तो बिल्कुल नहीं मैं अपने दोस्तों को इतना बोलता था कि यार फुटबॉल खेलने के बजाय अगर गिटार उठा लिया होता ना <laughs> तो बहुत <बहुं> <laughs> लेकिन आ, देखें आई वॉज इन अ रिलेशनशिप बिफोर आई स्टार्ट अच्छा और अलहमदिल्ला वही मेरी बेगम है अच्छा तो पहले हाँ, अच्छा, तो दिन से ही मुझे कुछ वो था ही नहीं फीमेल अटेंशन है मैं ये नहीं सोचता कि ये फीमेल है या मेल है बस ये अटेंशन है राइट तो मेरे लिए बस एक नॉर्मल लाइक like आपने थे? कभी वो सही रॉक स्टार वाली इंजॉय हाँ, नहीं की है हाँ, क्योंकि पहले से ही रिलेशनशिप चल शरीफ अच्छा अच्छा तो बिकॉज आप फूड डॉक्यूमेंट्रीज बना चाहते कोई फूड रिकमेंडेशन कराची हूँ हम आए हुए क्या खाएं क्या ना हाँ। आप बताइए आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है मैं मैं हर चीज़ खा लेता हूँ बस ज़्यादा स्पाइसी ना आप अल रहमान बिरयानी खाएँ टावर बिरयानी या शायद यहाँ पे डिलीवर कर दें वो आई एम नॉट श्योर आप जावेद नारी खाएं आपके बिल्कुल घर के करीब ही एक वर्ज रेस्टोरेंट है हाँ वहाँ का हाँ। सी फूड बहुत अच्छा है वो ट्राई अच्छा। करें आप अगर आपको थोड़ी फैंसी जगह चाहिए आप राशिद सी फूड जाएं आप तो खैर सी फूड से आपका इतना वास्ता नहीं पड़ता होगा लिविंग इन इस्लामाबाद या लाहौर लाहौर या हाँ तो आप राशिद सी फूड जाएँ के माड़ी पर अच्छा और यहीं करीब में ही एक सी फूड की प्लेस है राशिद जितनी मशहूर तो नहीं वो इट्स कॉल्ड मामू फिश मामू नाम से जज मत कीजिएगा तो उसकी <laughs> एक नई ब्रांच इधर ही है, फेज एट में उसके ग्रिल्ड प्रॉन्स आर वन ऑफ द बेस्ट आई हैड इन माय लाइफ अच्छा तो वो ज़रूर आप एक दफ़ा ट्राई करके कूल या नाइस होपफुली हम बाद में सुनेंगे <laughs> <laughs> आ uh, और कभी आपका कोई हमारा एक जनरल सा सवाल है आई डोंट नो जिन uh, एक्सपीरियंस या चुड़ेल या जिन एक्सपीरियंस देखें ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसमें आप थोड़ा सा डाउट ना डाल पाएं कि बिल्कुल क्लियर कट ये जिन एक्सपीरियंस था एक्सेप्ट वन टाइम मैं बहुत छोटा था मुझे एज अपनी याद नहीं है लेकिन बहुत ही छोटा था और कराची में एक जगह है यूनिवर्सिटी रोड अच्छा उससे हम जा रहे थे और मैं गाड़ी की खिड़की से ना बाहर देख रहा था और अब तो सारी कंस्ट्रक्शन हो गई उस वक्त सामने कराची यूनिवर्सिटी के सामने पहाड़ होते थे मैंने वहाँ पे एक मटका उड़ता हुआ जाते हुए देखा फ्लाइंग मटका आई सॉ इट विद माई ओन आइज आई डिड नॉट नो कि ये क्या है आई थॉट मे बी नज़र का धोखा है क्या है उसके कोई दस बारह साल बाद आई वॉज लिसनिंग टू दिस रेडियो शो जो यही टॉपिक चल रहा था और मुझे पता चला कि फ्लाइंग मटका इज़ एक्चुअली काला जादू रियली really? आप जादू कराएं उन पर आउट ऑफ द ब्लू कहीं से आके मटका गिर जाता है और वो मर जाते हैं अच्छा तो ये फ्लाइंग मटका मैंने देखा है बाकी सारे में आप थोड़ा बहुत डाउट डालते हैं कि मे भी वहम हो मे भी कुछ हो लेकिन ये देखा है सुना फ्लाइंग और कोई बात करना चाहें मेरे से कुछ पूछना चाहें मैं आप सारी बातें मेरे बारे में हो गई आप बताइए क्या म्यूजिक करना है या है या म्यूजिक मैं काफ़ी सीरियसली अब एक्चुअली is podcast kalham finished i'm going to dubai to mm. record this one song uh, that i've been working on for some time so i'm really hopeful about that uh, yeah with songs it's you can't tell like what's going to pop off what's not sometimes you really work hard on a song never mm. works sometimes you just make something but

इन देअर माइंड देव अट ऑफ क्वेश्चन ऐसे ऐसे चलना है ये ये बात करनी है uh -huh. ये करना है और ये वो तो वो काफ़ी रोबोटिक आंसर्स होते हैं तोंक यू वेरी मच फॉर थैंक यू फॉर फिर उसके बाद बिलल ने मुझे एक बहुत ही स्वीट सा मैसेज किया कि आप आइए मुझे बहुत कम्फर्टेबल उन्होंने कर दिया कि इफ़ यू डोंट लाइक इट वील जस्ट हिट डिलीड इन फ्रंट ऑफ यू कोई मसला नहीं है बिल्कुल ईजी सीन है तो आई वॉज लाइक चले या ये ये अगर आ गया तो ये नहीं हुआ हाँ, <laughs> अभी बताएंगे जब कटेगा फिर करना थैंक यू सो मच आई आई मीन दिसवर्सेशन फॉर प्रॉब्लम यूजुअली हम बात कर रहे होते हैं कि अच्छा I don't know. Sometimes इस तरह हो जाता है when I run out of questions then I yeah. start asking like those weird <laughs> questions. अच्छा आपका favourite खाना क्या है? But I I I was hoping कि हम और भी बात कर सकें लेकिन I am uh, conscious about your time as well. No problem. Uh, Thank you so much. मुझे भी बड़ा मजा आया. yeah. I'm no, looking I, I, forward do to do this again. Your music, जो आप दुबई में absolutely absolutely, yeah. absolutely जी. जी. Uh, maybe we'll meet somewhere. Uh, I hope अगर आपने बाहर जाना तो आपका वो खाब पूरा हो. या पाकिस्तान इतना अच्छा हो जाए कि आपको ना जाना पड़े. I wish. Unrealistic लगता है लेकिन. But best wishes. <laughs> Thank and you so much. Thank yeah. you. Thank you for coming. Thank you. All right, guys, that was a podcast uh, with the amazing Irfan Junejo. and uh, we'll see you in the next one banaya <laughs> khud